मनी नाइन की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @moneynine live को फॉलो करें, तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवारों को कुचला, भारी बारिश के बाद कहां जारी हुआ रेड अलर्ट। आज दिल्ली के कई इलाकों में क्यों बंद रहेगा पानी सप्लाई और कहां पर पकड़ा गया शातिर पेपर सॉल्वर गैंग। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप नाइन राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवारों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मृतकों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। तमिलनाडु में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राजधानी चेन्नई के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जेमिनी ब्रिज और वल्लुवर कोट्टम में रास्तों पर जमाव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु सरकार ने भारी बारिश की वजह से राजधानी चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चिंगलपेट के आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार अब ड्रोन का सहारा ले रही है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब निर्माण का काम बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि यहां पर नकली शराब पीने से मौत की खबरें आए दिन आती रहती हैं, लेकिन अब प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। गंगा नदी और उसके आसपास के इलाकों में शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में यात्रियों ने बसों में जगह न मिलने पर रास्ता जाम कर दिया और कुछ बसों में तोड़फोड़ की। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50% लोगों के साथ यात्रा की इजाजत दी है। इस वजह से बस और मेट्रो की यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन पर लंबी लाइन लगने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड सफाई अभियान के तहत पंपिंग स्टेशंस की क्लीनिंग का काम चल रहा है। इस वजह से शांति पथ, रेस कोर्स और चाणक्यपुरी समेत कई वीवीआईपी इलाकों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड वाटर टैंकर की मदद से पानी भेजने की व्यवस्था कर रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मलगौसा गांव के लोग करीब 2 महीने से तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 600 की आबादी वाले इस गांव में पहले एक ट्यूबवेल साफ पानी का साधन हुआ करता था, लेकिन गांव के दबंग सरपंच ने उसका कनेक्शन काट दिया और पंप उखाड़ कर ले गया। उसके बाद से ग्रामीण गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं। दूषित पानी पीने से कई गाँव वाले बीमार पड़ चुके हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस ने सीटेट की परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में एक बड़े सॉल्वर गैंग के 18 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस शातिर गैंग ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा था। इस गैंग में दिल्ली पुलिस का एक एएसआई, सीआईएसएफ के सिपाही समेत 5 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 50 परीक्षा प्रवेश पत्र और 5 गाड़ियां बरामद की हैं। नए साल में पीएम मोदी मुंबई के लोगों और पर्यटकों को वाटर टैक्सी का तोहफा देंगे। वाटर टैक्सी डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से नेरूल, वाशी से ठाणे और गेटवे ऑफ इंडिया रूट पर चलाई जाएंगी। वाटर टैक्सी सेवा को चलाने की मंजूरी फिलहाल 3 कंपनियों को मिली है। इसका ट्रायल रन मुंबई से बेलापुर और JNPT के बीच किया जा रहा है। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर का पहला स्पेशल वीडियो आज रिलीज होगा। इस वीडियो में फिल्म की पहली झलक पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। इससे पहले धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म लाइगर के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर पहले से ही धूम मचा रखी है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।